दोस्तों, हमारे चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है एक नई वीडियो के साथ। दोस्तों, आज हम आपको हमारे जो पीसी है, लैपटॉप या कंप्यूटर, उसमें आपको दोस्तों बताने वाले हैं कि डी ड्राइव और सी ड्राइव, ई ड्राइव का पार्टीशन कैसे करें। तो दोस्तों, हमें यदि पार्टीशन करना है ड्राइव का, तो सबसे पहले हम दिस पीसी पे जाके राइट क्लिक करेंगे। राइट क्लिक करने के बाद दोस्तों इस प्रकार खुलेगा, तो मैनेज आएगा, मैनेज पे क्लिक करेंगे। मैनेज क्लिक करने के बाद दोस्तों कुछ इस प्रकार की स्क्रीन आपके सामने आ जाएगी। तो इस पर आपको जो डिस्क मैनेजमेंट दिखाई दे रहा, इस पे क्लिक करना। क्लिक करने के बाद दोस्तों आपके सामने इस प्रकार का व्यू खुल के सामने आ जाएगा। तो यदि आपको डी ड्राइव का पार्टीशन करना है, तो आप डी ड्राइव पे क्लिक करेंगे। नीचे देखेंगे तो दोस्तों 92.77 GB का जो आपका डी ड्राइव है वो है। तो इस पे आप क्लिक करके यदि इसका पार्टीशन करना चाहते हो, तो इस पे आप राइट क्लिक करेंगे। राइट क्लिक करने के बाद दोस्तों ये सिंक वॉल्यूम आएगा, वॉल्यूम सिंक वॉल्यूम पे क्लिक करोगे तो आपके सामने कुछ इस प्रकार का खुल जाएगा। तो दोस्तों, यदि आपको 1 GB में दोस्तों 1024 MB होती हैं, और 1000 यदि आपको 1 TB बनाना है, तो 10,240 MB, तो आपको लगभग हम इसमें यहाँ पर 10,000 फीड कर देते हैं, 10,000 MB, 10,000 MB का पार्टीशन करेंगे दोस्तों, तो हमें एक नया ड्राइव बन के हमारे सामने आ जाएगा। तो इसको सिंक पर क्लिक कर दें। सिंक पर क्लिक करोगे तो नया ड्राइव है वो क्रिएट हो जाएगा। तो आपके सामने आप यहाँ पर देखोगे तो आपके सामने अभी, इसके बाद दोस्तों आप जो ये 19.53 GB यहाँ पर दिख रही, इस पर राइट क्लिक करेंगे तो आपके सामने आएगा न्यू सिंपल वॉल्यूम, इस पर ओके कर देंगे। ओके करने के बाद आपके इस प्रकार का खुलेगा, तो नेक्स्ट करें। नेक्स्ट करने के बाद फिर आपको यदि यहाँ कम करना है तो आप कम कर लो, और ज़्यादा करना है तो ज़्यादा कर सकते हो। हमने 10,000 लेना है तो 10,000 लिया। अब इसको नेक्स्ट कर देंगे, ये हमारा एफ ड्राइव बन जाएगा। हमारे पास डी ड्राइव और ई ड्राइव है। ओके करेंगे, फिर ओके फिनिश। दोस्तों, इस प्रकार आप भी अपने पीसी पे एफ ड्राइव यहाँ क्रिएट हो गया। एफ ड्राइव आपको बैक जाके दिखाते हैं दोस्तों। पीसी को ओके क्लिक किया, देखो दोस्तों यहाँ एफ ड्राइव बनके 9.37 GB का आपके सामने तैयार है। तो यदि आप भी अपनी लैपटॉप या कंप्यूटर में एक नया ड्राइव या नया वॉल्यूम बनाना चाहते हैं, तो बना सकते हैं इसी प्रकार। और यदि इसको डिलीट करना हो तो कैसे करेंगे, वो भी इसी वीडियो में आपको हम बता देते हैं। तो दोस्तों, डिलीट करना हो तो हम पीसी पे जाके दिस पीसी पे राइट क्लिक करेंगे, मैनेज में जाएंगे। मैनेज में जाके फिर से दोस्तों डिस्क मैनेजमेंट में जाएंगे, और इसमें जाने के बाद दोस्तों आप देख सकते हैं यहाँ पर जो हमने बनाया 9.77 GB, यहाँ पे न्यू वॉल्यूम पे राइट क्लिक करेंगे। राइट क्लिक करेंगे तो डिलीट वॉल्यूम आएगा, डिलीट वॉल्यूम पे ओके करेंगे। ओके करने के बाद इसको यस कर देंगे, फिर से यस करेंगे, वॉल्यूम डिलीट हो जाएगा दोस्तों। यस, वॉल्यूम डिलीट हो गया। अब हम जाके फिर से दिस पीसी में देखेंगे तो हमारा वॉल्यूम नहीं है दोस्तों। तो आप वॉल्यूम क्रिएट भी कर सकते हैं और उसको डिलीट भी कर सकते हैं। दोस्तों, कमेंट करके ज़रूर बताना वीडियो कैसी लगी। थैंक यू सो मच फ्रेंड, और चैनल को सब्सक्राइब भी कर देना।